हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल क्रिकेट पोड में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा नगोया और यहां से शिमिज़ू के बीच में होने वाले मुकाबले के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीमों को फुल सेटअप प्लस इन्फॉर्मेशन एक बेहतरीन टीम बनाएंगे, तो बने रहे वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद है कि आप भी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं, बना लेते हैं बेहतरीन टीम। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ से गोलकीपर में। एक बात और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ, इन दोनों टीमों का अंडरस्टैंडिंग बता दूँ। यहाँ से नगोया और यहाँ से पुल्स। नगोया ने अपने पिछले दो हेड टू हेड मुकाबले वो दोनों विन किए हैं, एक 3-1 से किया है और एक 2-0 से वन किया है। तो हम यहाँ से नगोया को प्रेफरेंस देंगे अपनी टीम में। तो यहाँ से इसे भी बिल्कुल मत समझना, यहाँ से शिमिज़ू पुल्स भी काफ़ी बेहतरीन टीम है। ये भी काफ़ी गोल प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन जो करंट फॉर्म है इसका शिमिज़ू का 14वें स्थान पर और यहाँ पर यह 6th पोजीशन पर है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टीम तो हमें यही लगती है नगोया। तो उम्मीद करते हैं बनाती है बेहतरीन टीम। तो यहाँ से गोलकीपर में आप लोगों को यहाँ से दो चॉइस रहने वाली है। आप चाहे तो इन दोनों में किसी एक को प्रेफरेंस दे सकते हो। मैं फिलहाल के लिए एक यहाँ से रहेगी लेंगराक और यहाँ से एन वोल्पी खेलते नजर आएंगे अपनी टीम की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं, तो यहाँ से मैं सबसे पहले जो प्रेफरेंस रहेगी मेरी टीम में यहाँ से रहेगी एन वोल्पी। और बात करते हैं डिफेंडर में से, डिफेंडर में हमारी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पिक रहने वाली है यहाँ से जेसुक और यहाँ से हम पिक करेंगे के कोटा। इम्पोर्टेंट प्लेयर है कोटा और ये काफ़ी बेहतरीन भी है। नकातानी पिछले मैच में इसने काफ़ी बेहतरीन पासिस किए थे, प्लस में इसने क्लियरेंस और टैकल्स के काफ़ी बेहतरीन पॉइंट दिए थे। ड्रीम इलेवन पर वो दर्शाए नहीं गए क्योंकि वो यो मैच इस ड्रीम इलेवन पर नहीं खेला गया। तो यहाँ से और एक प्लेयर और जिसका नाम है यहाँ से मुरुयामा, अगर खेलते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, लेकिन दे रखे हैं डिफेंडर में, ये खेलेंगे मिडफील्डर में तो इंपॉर्टेंस रहेंगे, इसलिए अगर जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो हमें क्लीन चिट का पॉइंट देने का उम्मीद रहेगी। इसलिए मैं अपनी टीम में इसे मुरुयामा को पिक करके चल रहा हूँ। आप यहाँ से चाहे तो पिक करके कर सकते हो एच फाजी को, जो कि पब्लिक ले जा रही है उसके हिसाब से मैं यहाँ से इसे नहीं पिक करूँगा। और एडी जोसेस काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है ये, लेकिन पास वासिंग का नहीं देगी, लेकिन टैकल काफ़ी बेहतरीन करके दे सकता है आप लोगों को। तो बात करते हैं मिडफील्डर में से, वन ऑफ द बेस्ट जो यहाँ से इन दोनों टीमों को बेस्ट प्लेयर आते हैं जेवियर, और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे जेवियर। ने अपने इस लीग में 3 गोल 3 असिस्ट कर चुका है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे हम जरूर पिक करेंगे। और यहाँ से बात कर लेते हैं यहाँ से निशिजावा। निशिजावा अपने टीम की तरफ से 3 गोल 5 असिस्ट कर सकते हैं, वाइस कैप्टन और कैप्टन का अच्छा खासा प्रोबेबल दावेदार रहेगा। और यहाँ से हम पिक कर बात करें निशिमुरा। निशिमुरा काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं, इसने अपनी टीम की तरफ से, और यहाँ से पिक करेंगे मीडा जो कि अपनी टीम का हाईएस्ट गोल टेकर है, 5 गोल कर चुका है इस सीजन में, लेकिन इससे पहले जो कानाकाजी उसने 4 गोल 4 असिस्ट किया। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से मैं इन दोनों को प्रेफरेंस दूंगा अपनी टीम में। और यहाँ से बात करें सेंटर फॉरवर्ड में से, जो कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्लेयर यहीं पर मिलने वाले हैं, यहाँ से बता दूँ मैं आप लोगों को कानाकाजी 4 गोल 4 असिस्ट, तो इम्पोर्टेंट है इस टीम अपनी टीम तरफ से हाईएस्ट गोल कर चुका है। और यहाँ से हम पिक करके चलेंगे अपनी टीम में यहाँ से कार्लोस अल्बर्टो जूनियर, इसने अपनी टीम की तरफ से 6 गोल किए हैं। तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है या नहीं, इम्पोर्टेंट है भाई, इसे तो जरूर यूज करके चलना। ये मत सोच चलना कि इसने गोल करेगा, आप ये सोच चलो ये कम से कम 200 टारगेट रखा तो, और प्लस में क्लियरेंस का दिया तो, अगर ये काफ़ी बेहतरीन और भी इंटरसेप्शन का पॉइंट भी दे सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे इसलिए बोल रहा हूँ। और यहाँ से टी डनागा, इस अपनी टीम तरफ से डान गडा ने 3 गोल कर चुका है, और यहाँ से इससे बेहतर तो यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से अपनी टीम पिक करके चल सकते हो नकामुरा, जो कि अपनी टीम तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर है यहाँ से ये बंदा का, और डिफरेंशियल पिक का अच्छा बेहतरीन काम कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं इस मैच में। तो बात कर लेते हैं फाइनल प्रयोग की। फाइनल प्रयोग बात करने से पहले एक बार आप लोगों को हम अपने टेलीग्राम चैनल दिखा दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जैसे आप सर्च करोगे क्रिकेट पर तो इस तरह लोगों दिखाई देगा, जिस तरह हमारे यूट्यूब चैनल के लोग हैं, तो आप यहाँ से अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो, सीधा आप लोगों को प्रेफरेंस। बात कर ले यहाँ से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, मेरे यहाँ से कैप्टन वाले हैं कानाकाजी, और यहाँ से आप लोगों की डिफरेंशियल चॉइस बता दूँ मैं आप लोगों को नकम और निशिजावा। निशिजावा 3 गोल 5 असिस्ट अपनी टीम तरफ से हाईएस्ट गोल मतलब गोल में भागीदार रहने वाले सबसे बेहतरीन खिलाड़ी यही है। और नकामुरा अपनी टीम तरफ से 4 असिस्ट कर चुका है, तो इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा।
चाहे तो आप यहाँ से इन दोनों को भी कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका दे सकते हो, क्योंकि अगर क्लीन चिट के नहीं लिए नहीं जा रहा है। और ना तो यहाँ से मीडा अपनी टीम तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर है, 5 गोल कर चुका है, और जेवर 3 गोल 3 असिस्ट कर चुका है। इन दोनों में इसकी सेक को बनाना, लेकिन मैं अपनी टीम फाइनल अपनी टीम टेलीग्राम पर ही दूंगा। टेलीग्राम जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उम्मीद करते हैं आप टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें।